हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे घर के ही सामान से बहुत ही बढ़िया मार्केट जैसा केक घर पर बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक बने रहना होगा, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिए हैं इन्ग्रीडियंट्स। यहाँ पर सूजी ली है 1 कटोरी, 3 कड़छी मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल और आधी कटोरी मैंने ली है चीनी। इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे तीनों चीज़ों को। आधी कटोरी से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही ली थी शुगर, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा कम पसंद करते हैं तो कम ही डाल लीजिए। 2 कड़छी मैंने ली है रिफाइंड ऑयल, वो थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर दूध। इसका एक पेस्ट बना लेंगे। सूजी मोटी हो या बारीक वाली, इसे हमें ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। देखिए सारा बैटर मैंने बाउल में निकाल लिया है। बैटर हमारा काफ़ी थिक है तो इसके अंदर हम अभी थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। देखिए इसमें हमें पानी यूज़ नहीं करना, हमें दूध ही डालना है। देखिए बैटर काफ़ी थिक है तो मैंने थोड़ा सा दूध डालकर बैटर को थोड़ा सा पतला कर लिया था। तो जिस टिन में हमें बनाना है, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम का ही हो तो ज़्यादा बेटर है। तो गोल वाला मैंने ये केक टिन ले लिया, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है इस तरह से। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी 2 चम्मच मैदा। मैदे के साथ इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ताकि जो हमारा केक है बिल्कुल भी चिपके नहीं। देखिए हमारा जो केक टिन है बिल्कुल कोट हो चुका है, बाकी जो वेस्ट मैदा है इसे हम निकाल देंगे। देखिए टिन हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में कर देंगे। देखिए बैटर हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा वनीला एसेंस। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो मैंने 3-4 बूंदे एसेंस की डाल दी हैं। 1/2 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेकिंग पाउडर। देखिए 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर है, जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं ये वही वाला स्पून है। और 1/3 मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें थोड़ा सा कम डालना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, एक ही डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है। देखिए अब फटाफट से ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें लास्ट में डालना है। बस ये डालते सार ही हमें जो हमने केक टिन ग्रीस करके रखा हो उसके अंदर डाल देंगे। सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो हमारी कढ़ाई है बिल्कुल प्री हो चुकी है, इसे मैंने पहले ही रख दिया था नमक डालकर। ये नमक को मैं बार बार यूज़ कर लेती हूँ जब भी मुझे केक बनाना होता, तो इसी में मैं बेक करती हूँ, तभी ये जो नमक का कलर है तभी थोड़ा सा काला काला है। यहाँ पर मैंने लिए हैं ओरियो बिस्किट्स, 3 पैकेट मैंने ले लिए हैं। इन्हें मैंने अलग अलग कर लिया है, जो इसके अंदर की क्रीम है उसे मैंने निकाल दिया था। अब जितने 1 कटोरी में आ सके उतने हम डाल लेंगे इन्हें तोड़कर। थोड़े से बिस्किट मैंने इसे इस तरह से निकाल लिए, ऊपर से मैं डाल दूंगी दूध, आप पानी भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे सॉफ्ट होने के लिए, इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर केक भी हमारा देख चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से केक हमारा पक गया है। इसे करीब हमें 20 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। 10 मिनट के लिए केक को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरह से पलटेंगे। देखिए हमारा केक ईजिली निकल जाएगा। देखिए इसे अब इस तरह से सीधा करके बीच में से मैंने कट कर लिया है। इसके 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया, ऊपर से मैंने लगा दी है क्रीम जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ था बिस्किट का, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा ये केक बनकर रेडी हो गया है। मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी डेरी मिल्क, तो मैंने इसके पीसेस लगा दिए इस तरह से तोड़कर।
आप कुछ भी लगा सकते हैं डेकोरेट के लिए, तो मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी, मैंने चॉकलेट ही लगा दी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लेकर आएंगे इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़, तब तक देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी। बाय बाय।